नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नॉलेज में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये है डेली की इश्यू रिपोर्ट। मतलब जो भी प्रॉपर्टी में केस वगैरह अपडेटेड होते हैं, मतलब जो केस वगैरह डेली ऑपरेशन में यूज़ होता है, ऐसे केस की हर दिन इवनिंग में आप सॉफ्ट कॉपी में भी रिपोर्ट बना सकते हैं, मतलब ऑडिट कर सकते हैं या सिस्टम में भी बना सकते हैं। और ये ऑडिट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी की आप इशू किए हैं दिन में, कौन लेकर गया और हैंडओवर किया है या नहीं, या कौन सी कंडीशन में हैंडओवर किया, यह सब जानना भी ज़रूरी होती है। इसके लिए जो भी केस वगैरह दिन में ऑपरेशन में यूज़ होता है, मतलब इशू होता है, उसको नाइट में एक बार ऑडिट करना चाहिए। तो ऑडिट के साथ साथ ये जो फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में भी अपडेट कर सकते हैं आप लोग। तो फॉर्मेट में क्या करना चाहिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें डेली की इशू रिपोर्ट बना दीजिए और डेट भी इसमें आप लोग डाल सकते हैं, डेट में डालना ज़रूरी है। तो इसमें कलम में क्या क्या आता है, केस नंबर, जो भी की नंबर है, या जो भी हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या जो भी हो, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए। तो की का नंबर इसमें अपडेट होना चाहिए। एंड लोकेशन, लोकेशन मतलब जो आपकी इशू किए है, ये कौन सी लोकेशन की है। अगर एचआर की है तो आपको एचआर ऑफिस की अपडेट करना है। नेक्स्ट, इशू टू, किसको आप इशू किए हैं। अगर आप राम को इशू किए तो राम ने लिया, बल्कि राम की नाम मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा टाइम, कौन सी टाइम में लिया। अगर 10 बजे लिया तो 10 बजे डाल दीजिए। इशूड बाय मतलब कौन इशू किया। जो भी सिक्योरिटी ऑफिस में होगा, तो किसी गार्ड ने, कौन सी गार्ड ने इशू किया, कौन सी गार्ड ने किसको हैंडओवर किया, तो जो हैंडओवर किया दूसरे को, जो इशू किया, इशू बाय शाम। अगर सिक्योरिटी के नाम शाम है तो शाम उसमें मेंशन कर लीजिए। ये हो गया मतलब टेकन का, जो लेने का फुल प्रोसेस इसमें अपडेट हो गया। लेने का पार्ट का, जैसे ले लिया, लेने के टाइम आएगा और कीज़ के नंबर एंड कौन सी की लिया, उसका लोकेशन मतलब ऑफिस की नाम, एंड इशू टू कौन, किसको आप इशू किए उसके नाम एंड टाइम, और इशूड बाय कौन इशू किया, सिक्योरिटी जिसका भी है उसका नाम। तो ये लेने का पार्ट हो गया। अभी देने का पार्ट, हैंडओवर बाय कौन हैंडओवर, और फिजिकली ऑडिट बाय कौन ऑडिट किया, ये चाबी को मतलब कौन ऑडिट किया, जो भी ऑडिट किया है उसके नाम। अगर मैं ऑडिट किया, मतलब अगर शाम ने ऑडिट किया या राम ने ऑडिट किया, सिक्योरिटी शाम है, अगर सिक्योरिटी शाम ने ऑडिट किया तो इसमें शाम लिख दीजिए। तो ये जो ये फॉर्मेट है, उसको अपडेट करने के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, हर दिन क्यों करना चाहिए, और ऐसे हर डे के एंड में क्यों ये ऑडिट करना चाहिए, कि इसकी मूल पार्ट है। अगर किसी भी चाबी, अगर सपोज़ ये एचआर की चाबी राम ने लिया 10 बजे और सिक्योरिटी शाम ने उसको हैंडओवर किया, देने के टाइम राहुल ने दिया और 2 बजे दिया, देने के टाइम ये जो चाबी है उसको तोड़ा हुआ दिया, तो जो भी शाम है, क्योंकि वो ऑडिट किया है, तो इसका जिम्मेदारी आएगा, और जो दिया है राहुल ने दिया, तो राहुल की जिम्मेदारी आएगा। लेकिन देने के टाइम एक बार सिक्योरिटी भी चेक करना ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पॉट प्लेस में, स्पॉट टाइम में आपको बताना बहुत ज़रूरी होती है,
ऐसे नहीं है आपको 2 बजे हैंडओवर किया और आप 4 बजे बता रहे हैं कि यह तो चाबी मेरे को आप थोड़ा हुआ दिए है, तो ऐसे नहीं होते। जब दिए है तब ही एंट्री करने के टाइम प्रॉपर आपको हैंडओवर लेने के टाइम उसको अच्छे तरह चेक करना चाहिए प्रॉपर है या कुछ बैंड है या कुछ भी है। तो ये होता है ऑडिट। ये ऑडिट करने से सपोज़ आप 4 की दिन में इशू किए, नाइट में 2 की ऑफिस में हैंडओवर किया, 2 की हैंडओवर नहीं किए, तो आपकी नॉलेज में भी मतलब पता हो जाएगा कि हाँ 2 की आए नहीं 2 की आए हैं। तो आप जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जो भी लिए हैं उस डिपार्टमेंट में जाकर बता सकते हैं कि हाँ जो चाबी लिए थे वो चाबी अभी तक हैंडओवर नहीं किए, तो उसको काइंडली हैंडओवर कर लीजिए। तो उसका भी कुछ प्रोसेस होते हैं। तो सेम लाइक ये भी फॉर्मेट जो लोग भी सिक्योरिटी जॉब कर रहे हैं आप लोग भी ये प्रॉपर्टी में ये सिस्टम ऐड कर सकते हैं आपकी ड्यूटीज़ में। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे ये जो की ऑपरेशन की जो प्रोसेस की जो की इशू और रिपोर्ट के बारे में जो बताया था मैं, ये आप लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोग जो भी सीनियर है इंचार्ज है आप लोग अपने मर्जी से भी उसको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐड करना किसी एचआर या किसी जीएम या किसी भी अथॉरिटी की अथॉराइज की ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट सिक्योरिटी एज पर सिक्योरिटी वेटनेस और सेफ्टी के लिए ये बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो में अपडेट देते रहूँगी।